पहला सी जी पाकिस्तान के टाइम की बनी हुई है, शहीद करके दोबारा बनाई है, इन 20 साल हो गए। सुन्नी जामा मस्जिद गुलाब शाह सब्जी मंडी नकोदर। कुरान शरीफ की तालीम और हदीस मुबारक, उर्दू अरबी फारसी की तालीम दी जाती है, पढ़ाया जाता है इनको। मैं तुम पे फिदा सब तन मन धन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है जी थोड़ा साढ़े चैनल पंजाबी लहर सांझा, सांझ पंजाबियों की। तो थोड़ा बड़ा ही मनपसंदीदा प्रोग्राम इबादतगाह, इबादतगाह के दौरान अज असी पहुँचे हाँ नकोदर शहर की पुरानी सब्जी मंडी ते सुन्नी जामा मस्जिद गुलाब शाह। आओ फिर करते हाँ दर्शन दीदार गुलाब शाह मस्जिद। सुन्नी जामा मस्जिद गुलाब शाह जी के अंदर आओ फिर करते हाँ दर्शन दीदार। सुन्नी जामा मस्जिद गुलाब शाह इबादतगाह, जिसका बहुत खूबसूरत आसमान नु छूंदा होया मीनार, ते कोई 20 साल पुरानी इसकी इमारत, जिसका नवीनीकरण जिहड़ा वो अज भी चल रहा है। इबादतगाह का बाहरी हॉल जिसके मुख तीन द्वार ने, ते जिहदे च हर एक तरह की सहूलियत जिहड़ी आ उह मुहैया करवाई गई आ। भावें ही इबादतगाह बहुत पुरानी सी, पर इस नूं नवे ढंग दे नाल ते इहदा नवीनीकरण जिहड़ा आ उह अजोके समें दे हिसाब दे नाल कीता गया आ। इबादतगाह दा अंदरला ते मेन हॉल जिहड़ा आ उह बहुत ही खुला डुल्ला, बहुत खूबसूरत बनाया गया आ। महराब जो कि बहुत ही मुकर्रर स्थान आ हर इबादतगाह दा, ते इस इबादतगाह दे अंदर जिहड़ा महराब सुभाए मान है उसकी नक्शकारी बहुत ही खूबसूरत ढंग दे नाल कीती गई आ। बड़े ही वधिया तरीके दे नाल उसनू बनाया गया है, जो कि अज कल दी तकनीक दे हिसाब दे नाल बहुत सोहना लगता है। इबादतगाह का हॉल इन्ना क ज़्यादा खुला डुला ते हवादार है कि इत्थे नमाज अदा करन आए हुए नमाजियां दी बहु गिणती जिहड़ी आ उह तकरीबन 300-400 दे विचकार हो जांदी होवेगी, जिहड़े कि साडे नमाजी वीर आ उह इक्को वक्त आराम नाल इत्थे अपनी नमाज अदा कर सकदे ने। सुन्नी जामा मस्जिद गुलाब शाह सब्जी मंडी नकोदर, ते आज इत्थे दी मुकद्दस इबादतगाह दे दर्शन दीदार करन दा मौका जिहड़ा आ सानूं वी मिलिया नाल दी नाल। इत्थों दे इतिहास बारे ते इस इबादतगाह दे नाल जुड़ियां होईयां कुछ रोचक गल्लां जिहड़ियां आ उह साडे मुसलमान भाईचारे दे कुछ वीर जिहड़े आ उह साडे नाल इत्थे मौजूद ने, ते आओ फिर गल्लबात करदे हाँ सब तों पहला मौलवी साहब दे नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुसीं कदों तों इत्थे हो? जी 2 साल हो गए करीब यहाँ। तो मौलवी साहब, एक हर एक इबादतगाह दे विच बच्चों नू जिहड़ा आ उह कुरान पाक की तालीम दिती जांदी आ, ते कि अपनी इत्थे इस सुन्नी जामा मस्जिद गुलाब शाह दे अंदर बच्चों नू कुरान पाक की तालीम जिहड़ी उह दिती जांदी? जी बिल्कुल, यहाँ कुरान शरीफ की तालीम और हदीस मुबारक, उर्दू अरबी फारसी की तालीम दी जाती है, पढ़ाया जाता है इनको। तो कितने बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे? करीबन 25-30 बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए रोज़ाना। रोज़ाना आते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहे हैं, छुट्टी चल रही है, बस आते थे। तो यहाँ पे जो नमाज अदा करने आते हैं लोग, मुसलमान भाईचारे दे जो लोग आ, वो कितने हैं? करीब वो भी 10 या 12 लोग आते हैं करीब करीब नमाज पढ़ने, बाकी 5-6 भी हो जाते हैं। नहीं, एक फुन ते लॉकडाउन है उस तो पहला? हाँ, उससे पहले ज़्यादा आते थे, पूरी जुमा के रोज़ तो पूरी मस्जिद भर जाती है, काफ़ी लोग आते हैं। एक वेले किन्ने नमाजी जड़े थे नमाज अदा कर दे जी? कोई वेले
किन्ने कर सकते हैं? एक कर ना। तो वैसे तो पांच वक्त की नमाज़ होती है, उसमें 10 से 12 लोग होते हैं। जुमा की नमाज़ में करीबन 300 से 350 करीब आदमी आते हैं इसमें नमाज़ पढ़ने के लिए। ठीक है जी। तो जेकर गल करिए असी इबादतगाह के इतिहास की, तो इसका इतिहास जोड़ा आ बहुत पुरानी आ, ते ए किन्नी को पुरानी है ते कदों तो इत्थे स्थित है, से आओ उहदे बारे भी पुछदे आं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम स्वागत है जी थोड़ा साडे चैनल ते। हाँ जी। ते थोड़ा नाम? यासीन खान। ते खान साहब सानू दसो कि ये मस्जिद जिहड़ी है वह किन्ने साल पुरानी है ते कदों तो इत्थे स्थित है? ये पहलां सीगी जी पाकिस्तान दे टाइम दी बनी हुई है, शहीद करके दोबारा बनाई है, इहनूं 20 साल हो गए। 20 साल दोबारा बनी नूं होई है? हाँ जी। उस तो पहलां कदों दी? उस तो पहलां भी मस्जिद दी सीगी। ना टाइम हो गया हूँ साढ़े को होगा 20 साल इन। ठीक। हाँ। ते इसका नाम जड़ा या वो बड़ा एक अलग जहा नाम है इबादतगाह का, जिमें कि सुन्नी जामा मस्जिद। कि सुन्नी शब्द यदा कोई पुराना इतिहास के नाल किसी तरह का कोई वास्ता? हाँ जी, सुन्नी इदा जी असी पीर फकीर मनन वाले बंदे हैं, असी अहले सुन्नत जमात के बंदे हैं, तो असी सुन्नी लाने हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुहाडा नाम? यूनुस खान। ते खान साहब अपनी जदों इबादतगाह दे अंदर इस्लामिक भाईचारे दे विच मुसलमान भाईचारे दे विच ईद ते रमज़ान दे त्यौहार जिहड़े आउंदे आ, ते उस त्यौहार दे दौरान जिहड़े बाकी भाईचारे दे लोक आ या बाकी मज़हबां दे लोक आ, उहनां दा सहयोग की रहिंदा तुहाडे नाल? उहनां दा सारिआं दा सहयोग सही है, किसी वल्लों कोई परेशानी नहीं है। फिर भी मतलब किन्ना क इत्थे इकट्ठ हुंदा आ, बाकी सारे लोग किन्ना थोड़े नाल मनाउंदे आ, वो चीज़ दसो। नाल इकट्ठे हो ही जांदे आ, ठीक ठाक ही आदमी हो जांदे, इदां नहीं है कि कट होवे या कोई परेशानी होवे, हो जांदे नाल सब। सो खान साहब इबादतगाह दे अंदर जदों अपनी ईद दा त्यौहार आउंदा है, रमज़ान दे महीने आ, वह भी एक बहुत पाक महीना पवित्र महीना मनिया जाता है मुसलमान भाईचारे का, तो उदों जिहड़े अपने त्यौहार होंदे उस त्यौहार दे विच बाकी मज़हबां भाईचारे दे लोग जिहड़े उन्हां दा की सहयोग रहिंदा आ? असीं इकट्ठे ही हुंदे जी सारे जणे, बधाई भी देण आउंदे आ, MLA साहब भी आउंदे आ, होर आ गैल साहब, बब्बू प्रधान, ये साहब आउंदे आ साडे कोल, चाहे वह किसी भी भाईचारे नाल संबंधित भाईचारे नाल हो, सरदार भी आउंदे आ, ईसाई भी आउंदे आ, हिंदू भी आउंदे आ, सब आउंदे आ साडे कोल इकट्ठे। इस इबादतगाह का नवीनकरण जिहड़ा है जदों कीता गया, दोबारा जदों बनाई गई आ, ते इहदे विच जिहड़ा बाकी भाईचारियां दा कोई सहयोग रहा होवे? हाँ जी रहा, भाईचारा भी रहा, MLA समरा साहब ने भी 1.5 लाख रुपया दिता, बाकी आ शहर के बंदे उन्होंने भी साडी ने मदद की इस इबादतगाह नूं फिर तो तामीर करन दे विच। हाँ जी, दोबारा बनाई इहनूं। खान साहब जिमें कि तुसीं सानूं दस्या कि 20 साल इस इबादतगाह नूं जिहड़ा आ उह आबाद होई नूं हो गया, पर 20 साल तो पहलां इहदा इतिहास की सी उहदे बारे सानूं जरा जरूर दसो। इत्थे मस्जिद ही सीगी जी पहलां तो ही, इह घट्टो घट 100 साल दी मसीद पहलां दी है मस्जिद, बंद पई सीगी, बस असीं फिर वक्फ बोर्ड कोलों कब्जा लै लिया, इहदे कोलों कब्जा लैण नूं सानूं 20 साल हो गया इहनूं बणाई नूं। 1947 तो पहलां जदों मस्जिद इत्थे मौजूद सीगी उदों इत्थे जिहड़े अपने मुसलमान भाईचारे दे लोक जिहड़े उदों भी इत्थे नमाज़ अदा करन आया करदे सन या? उदों भी आंदे सी, असीं आंदे, साडा जन्म इत्थे दे ही आ, रहण वाले असीं इत्थे दे ही आ। ठीक है जी। मुसलमान भाईचारे दी अक्सर एक बहुत ही वड्डी ते माण वाली गल है कि मुसलमान भाईचारे दे बच्चे जिहड़े ने उह स्कूल दी जिद्दां दुनियावी सिक्ख्या हासिल करन तों पहलां जिहड़ी पाक कुरान दी सिक्ख्या आ तालीम आ वह जरूर हासिल करते हैं। सो साडे नाल इस इबादतगाह दे विच भी कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जिहड़े साडे नाल मौजूद ने, उहनां दे नाल भी गलबात करते हाँ, तो उहनां दे कोलों पाक कुरान दियां कुछ कलमा सूरत जरूर सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुहाडा नाम बच्चे? कैफी खान। तो तुसीं सानूं की सुनाना पसंद करोगे? नात। छूटे ना कभी तेरा दामन, छूटे ना कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनो दीन हसन, है तुम पे फिदा सब तन मन धन, है तुम पे फिदा सब तन मन धन,
या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, ओ मेरे ख्वाजा पिया। अजमेर मुझे पहुंचा दे खुदा, चादर में चढ़ा ऊँ फूलों की। अजमेर मुझे पहुंचा दे खुदा, चादर में चढ़ा ऊँ फूलों की। ये सदका करूँ, ये सदका करूँ, तन मन अपना या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। इस सर को झुका पाए दुश्मन, ये उसके बस की बात नहीं। इस सर को झुका पाए दुश्मन, ये उसके बस की बात नहीं। जिस पर वो तेरे, जिस पर वो तेरे कदमों की मोहर, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। छूटे ना कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। काबा हो मदीना हो या नजब, हर समते नजर तुम आते हो। काबा हो मदीना हो या नजब, हर समते नजर तुम आते हो। कुछ ऐसी लगी, कुछ ऐसी लगी है तुमसे लगन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। छूटे ना कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। जो कुछ भी मिला है अशरफ को, वो तेरे दर का कुतरन है। जो कुछ भी मिला है अशरफ को, वो तेरे दर का कुतरन है। कुछ बस यूं ही रहे, बस यूं ही रहे साया सर पर, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। अल्लाह पाक इस बच्चे नू चढ़दी कला दे विच रखण हमेशा। बहुत ही खूबसूरत, प्यारी ते मिठड़ी आवाज़ दे विच उन्हें जड़ा सानू कुछ गा के सुनाया है। एक होर बच्चा जड़ा है वो साडे नाल इत्थे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ते बच्चे तुसी सानू की सुनाना चाहोगे? तलमा सुनाओ। अव्वल तलीमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह जल्ला जलालू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोयों तलीमा शहादत, शहादत माने दवाई देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। सोयों तलीमा तमजीद, सुभानल्लाहि वलहम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। खाना खाने से पहले थी दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरतिल्ला। खाना खाने से बाद थी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत्तामना अस्ताना वहदाना वजलना मिन मुस्लिमीन। दूध पिए दुआ अल्लाहुम्मा इन अल्लाहुम्मा बाइट लाना फीही वज़िदना मिन्हु। सोने थी दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिक मिन तुफ़्सी वल तौइस। सोने दुआ अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आयाना बादमा अमातना व इलैहिन नशूर। बैतुल रज़ा जाने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन तुफ़्सी वल तौइस। बैतुल रज़ा से बाहर आने दुआ बिस्मिल्लाह अल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाह अला दीनिल इस्लाम। वुज़ू बनाने से पहले की दुआ
हक बनाने से पहले दुआ दूध पीने की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजदना मिन्हू। सोए सन बड़े ही प्यारे जिहे छोटे छोटे बच्चे जो कि अपने मजहब अपने भाईचारे दे नाल बहुत ज़्यादा लगाव ते इबादतगाह दे अंदर पाक कुरान की तालीम हासिल करके सब तो पहला अल्लाह पाक दे नाल जुड़ना पसंद करते हैं। सुन्नी जामा मस्जिद गुलाब शाह, सुन्नी जामा मस्जिद गुलाब शाह का जिहड़ा नाम आ बहुत इतिहासिक ते पुराना ते गुलाब शाह जी जिहड़े वो बहुत फकीर ते बंदगी वाले इंसान हुए ने उन्हां दी पाक दरगाह दे दर्शन दीदार जिहड़े आ असीं तुहानूं करवा रहे हाँ ते बिल्कुल इबादतगाह दे नाल ही उन्हां दी दरगाह जिहड़ी आ उस स्थित आ जिथे अंदर बहुत ही रूहानियत ते इलाही नूर वरसता है ते चिराग जलदे रहिंदे ने। दरगाह दी इमारत जिहड़ी आ ओह भी बहुत इतिहासिक ते पुरानी आ जिसका गुंबद जिहड़ा आ ओह बहुत आकर्षक ते सुंदर आ ते दीवारां जिहड़ियां आ ओह प्राचीन समय दे जिहड़े डिज़ाइन असीं कह सकदे आ या नक्शकारी कह सकदे आ उहनां दे नाल बणियां होईयां ने। पंजाबी लहर सांझा सांझ पंजाबियां दी टीम अज पहुंची सी जी नकोदर शहर दे विच पुरानी सब्जी मंडी सुन्नी जामा मस्जिद गुलाब शाह। तो अज असी थानू इस पाक मुकद्दस मस्जिद दे दर्शन दीदार करवाए इस दे इतिहास बारे थानू जाणू करवाया। इसे ही तरह असी वादा करते हाँ कि फिर तो थोड़े नाल जुड़ांगे किसी इतिहासिक पुरानी इबादतगाह नू लैके। तद तक तुसी साडा पंजाबी लहर सांझा सांझ पंजाबियां दी चैनल जिहड़ा आ उहनू सबसक्राइब कर लो ताकि सब तो पहलां जिहड़ियां साडियां वीडियोज़ आ उह थोड़े तक पहुँच सकन। ते मैनू सुमनदीप कौर नू दिओ इजाज़त। धन्नवाद, सत श्री अकाल, शब खैर।